Welcome to my channel Unix Civil Tech. Today I am discussing how to apply dead load and live load in a G+4 structure and G+5 structure. तो कैसे आप high rise building में dead load and live load को apply कर सकते हैं? तो पिछले tutorial में हमने एक beam को design किया था जिसमें हमने dead load and live load को apply किया था. तो आज हम एक building को design करेंगे जिसमें हम dead load and live load apply करेंगे. तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी व्यूअर से अनुरोध है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी टेक्निकल वीडियोज इस चैनल पे अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल सकें. तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से आपके पास एक स्टैट प्रो एडवांस कनेक्ट एडिशन का इंटरफेस ओपन होगा जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड फ्रेम मॉडल्स पे क्लिक करेंगे और बे फ्रेम्स पे क्लिक करेंगे. तो जो स्ट्रक्चर की लेंथ है वो 12 मीटर है और हाइट हम ले लेंगे स्ट्रक्चर की 12 मीटर. ठीक है, तो लेंथ के लॉन्ग जो हमारा बेस होगा यानी कि डायमेंशन होगी होगी 4 और हाइट के लॉन्ग हम नंबर ऑफ बेस ले लेंगे 4 और विड्थ के लॉन्ग भी हम नंबर ऑफ बेस ले लेंगे 4. अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और क्लोज यस ओके. तो इस प्रकार से हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बॉटम में भी एक फ्लोर क्रिएट करना है. ठीक है, और उसके नीचे हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है. तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, फ्रंट व्यू पे गए और कट सेक्शन ऑप्शन पे क्लिक किया, सेलेक्ट टू व्यू पे क्लिक किया और ओके. और हम उस व्यू को सिलेक्ट कर लेंगे जिस व्यू पे हमें वर्क करना है. तो ये व्यू हमने सिलेक्ट कर लिया. अब हम आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, ज्योमेट्री टैब में जाएंगे, ऐड बीम में जाएंगे और नोड टू नोड हम बीम क्रिएट करेंगे इस प्रकार से. और अब हमें कमांड से बाहर आना है एस्केप बटन दबा के. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बीम को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बटन होल्ड करके दूसरे बीम्स को भी सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब हम जाएंगे ट्रांजिशनल रिपीट ऑप्शन पे और एक्स एक्सिस के अलावा हम ट्रांजिशनल रिपीट कमांड का यूज़ करेंगे. तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 3, सॉरी नंबर ऑफ स्टेप्स है 4 और डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग है हमारी 3 और हम कर देंगे ओके. तो इस प्रकार से हमारे सारे नोड्स में बीम लग जाएंगे. अब हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट डायरेक्शन में भी बीम प्रोवाइड करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एड बीम पे क्लिक करेंगे और नोड टू नोड हम बीम ज्वाइन करेंगे जैसे हमने पहले किया था. तो इस प्रकार से हमें हमने ये बीम भी क्रिएट कर लिया है. एस्केप बटन से हम कमांड से आउट हो जाएंगे और इस बीम को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बटन होल्ड करके अल्टरनेट बीम्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, वापस से हम ट्रांजिशनल रिपीट ऑप्शन पे जाएंगे, जेड एक्सिस पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे 4 हैं और डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग हमारी है 3 यानी कि हम -3 लेंगे. ठीक है, और ओके. तो इस प्रकार से हमारे पास एक फ्लोर क्रिएट हो जाएगा बॉटम में. अब हमें फाउंडेशन क्रिएट करनी है. उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, नोड कर्सर पे क्लिक करेंगे और जितने भी नोड है उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और ज्योमेट्री टैब में जाएंगे और ट्रांजिशनल रिपीट का इस्तेमाल करेंगे. वाई एक्सिस पे क्लिक किया, नंबर ऑफ स्टेप्स 1 होगा तो फाउंडेशन की डेप्थ हम ले लेते हैं -2 मीटर और लिंक कर देंगे स्टेप को और ओके. फिर इस प्रकार से हमारे पास एक बेस क्रिएट हो चुका है. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है व्यू ऑप्शन पे, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है. तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एस्केप बटन दबाना है, कमांड से बाहर आना है, बाहर आगे कमांड से. अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैब में जाएंगे, डिफाइन ऑप्शन पे जाएंगे और रेक्टेंगल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. बीम की डेप्थ ले लेंगे हम 0.5 और विड्थ ले लेंगे हम 0.45 और ऐड कर देंगे. और अब हम कॉलम का साइज भी डिस्कस कर लेंगे. तो 0.6 कॉलम का साइज दे दिया है और ऐड कर देंगे. ठीक है, इस प्रकार से हमने दो मटेरियल डिफाइन कर लिए, दो प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लिया. अब हम क्लोज करेंगे. अब हम फर्स्ट वाले बीम मटेरियल पे जाएंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे
और सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारे सारे बीम सेलेक्ट हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे चेक कर लिया है और असाइन कर देंगे मटेरियल को। तो देखिए मटेरियल असाइन हो चुका है। अब सिमिलरली हम कॉलम का भी करेंगे, तो कॉलम के लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पैरेलल टू वाई एक्सिस पे क्लिक किया और मटेरियल को हम असाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने मटेरियल को असाइन कर दिया है। अब हम जाएंगे मटेरियल ऑप्शन पे, कंक्रीट हमारा लग चुका है, और सपोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, यानी कि सपोर्ट क्रिएट करेंगे। फिक्स सपोर्ट ले लेते हैं, ऐड कर दिया। इस सपोर्ट पे क्लिक किया, व्यू ऑप्शन पे गए और फ्रंट व्यू पे गए, और जितने भी हमारे फाउंडेशन थी उन्हें हमने सेलेक्ट कर लिया है, और आइसोमेट्रिक व्यू में जाके हम असाइन कर देंगे मटेरियल को। ठीक है, तो हमने सपोर्ट्स भी असाइन कर दी। एस्केप बटन दबाए, कमांड से आउट हो जाएंगे आप। तो अब हम क्या करेंगे, लोडिंग ऑप्शन पे जाएंगे। तो लोडिंग ऑप्शन पे क्लिक किया, लोड केस डिटेल पे क्लिक किया और ऐड किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेट नंबर्स दिए हैं, लोडिंग टाइप दिया है और टाइटल दिया है। तो हम क्या करेंगे, लोडिंग टाइप पे क्लिक करेंगे, डेट डेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टाइटल दे देंगे हम DL, यानी कि डेड लोड। ठीक है, और ऐड कर देंगे। सिमिलरली हम लाइव लोड पे क्लिक करेंगे और टाइटल दे देंगे LL। ठीक है, और ऐड और क्लोज। तो हमें क्या करना है, डेड लोड पे क्लिक करना है, ऐड ऑप्शन पे जाना है और सेल्फ वेट, यानी कि जो भी बिल्डिंग का सेल्फ वेट होगा हमने उसको -1 मान लिया है, यानी कि फैक्टर लिया है। ठीक है, तो ऐड कर देंगे और क्लोज। ठीक है, सिमिलरली हमने डेड लोड पे क्लिक करना है, ऐड ऑप्शन पे जाना है, मेंबर लोड लेना है बिल्डिंग का। ठीक है, यानी कि जो भी बीम के ऊपर लोड आएगा, यानी कि ब्रिक वर्क, प्लास्टर, कुछ भी आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारा ब्रिक वर्क होगा हम ले लेते हैं -13.8। ठीक है, यानी कि आप कैसे लोड निकाल सकते हैं, जो ब्रिक की थिकनेस होगी और हाइट होगी वॉल की, एंड जो डेंसिटी होगी ब्रिक की, उससे आपके पास ये वैल्यू आएगी -13.8, और हम इस मटेरियल को ऐड कर देंगे। सिमिलरली हमें क्या करना है, जो भी हमारा टॉप स्लैब होगा जिसके ऊपर पैरापेट वॉल आती है या रेलिंग आती है, तो उसका लोड भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वो आएगा -4.6, सेम वे है जैसे हमने पिछले वर्ड्स पे मैंने बताया था आपको कि कैसे आप बीम के ऊपर ब्रिक लोड कैलकुलेट करते हैं, और डायरेक्शन देगी आपकी GY, और ऐड कर देंगे और क्लोज। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सेल्फ वेट पे क्लिक करना है और इस पूरे स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी बिल्डिंग का टोटल वेट होगा, और हमें असाइन टू सिलेक्टेड बीम को चेक करना है और असाइन करना है मटेरियल को, और यस। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, फ्रंट व्यू पे गए और यूनिफॉर्म लोड को भी हम सेलेक्ट करेंगे -13.8 kN/m को, और हम इसको असाइन करेंगे इन बीम्स के ऊपर, इन स्लैब्स के ऊपर, और कंट्रोल बटन होल्ड करके दूसरे स्लैब्स को भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम असाइन टू सिलेक्टेड बीम को चेक करेंगे और असाइन कर देंगे, यस। इस प्रकार से हमारा ये वेट आ चुका है मेंबर के ऊपर जो आएगा ब्रिक वर्क का। अनदर, अब हमें क्या करना है, टॉप फ्लोर में भी इस मटेरियल को असाइन करना है, जो कि -4.6 kN/m। तो ये हमने टॉप बीम को सेलेक्ट कर लिया है और इसके ऊपर हम इस मटेरियल को साइन करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम को चेक करें और असाइन कर दें। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस यूनिफॉर्म लोड को भी असाइन कर देना है। अब हमें क्या करना है, हमें फ्लोर लोड भी इसमें असाइन करना है। तो फ्लोर लोड कैसे असाइन करेंगे हम, तो सबसे पहले डेड लोड पे जाएंगे, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्लोर लोड पे क्लिक करेंगे, और जो भी हमारा फ्लोर का लोड होगा, यानी कि अभी हमारे पास क्या है, स्लैब, तो स्लैब एज अ फ्लोर भी यूज होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लैब की थिकनेस लेंगे और
डेंसिटी लेंगे कंक्रीट की, तो जब हम इन दो चीज़ों को लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो मिनिमम हमें क्या करना है, मिनिमम है हमारा 0 और मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे 14 मीटर तक हमारा स्लैब है। ऐड और क्लोज आप इस पे चेक करें, ये देखिए जितना भी हमारा फ्लोर लोड था वो असाइन हो चुका है एक ट्रायंगल की शेप में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लाइव लोड पे क्लिक करेंगे और ऐड ऑप्शन पे जाएंगे, फ्लोर लोड पे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, लाइव लोड क्या होता है, जितना भी आपका लाइव लोड है, जैसे जो भी आप एडिशनल फ्लोर पे लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं या वुडन फ्लोरिंग कर रहे हैं, तो उसका भी एक लोड होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये उसके ऊपर आपका और लोड भी आता है, जैसे आपका ये बेड हो गया, अल्टरनेट फर्नीचर्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, वो लोड ले लेते हैं हम -3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, और मिनिमम 0 और मैक्सिमम रखेंगे हम 11 मीटर तक। ठीक है, और इसको हम ऐड कर देंगे और क्लोज। तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, देखिए इधर इधर आपका ये लाइव लोड आ चुका है। अब टॉप जो स्लैब है जहाँ पे हमारी पैरापट वॉल या रेलिंग होगी, उधर भी हम कोई ना कोई मॉडिफिकेशन तो करेंगे स्लैब में, लाइक टाइल्स लगा देंगे तो उस टाइल का भी कुछ लोड होगा और लाइव लोड होगा। कभी कोई स्टेयर चढ़ के ऊपर कोई पीपल गया तो लाइव लोड भी आएगा उसके ऊपर। तो वो लाइव लोड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइव लोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हेड ऑप्शन पे क्लिक किया, फ्लो लोड पे क्लिक किया, और वो जो लोड होगा यानी कि जो लोड का प्रेशर होगा वो हम ले लेंगे -2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो मिनिमम हम ले लेंगे 11 मीटर और मैक्सिमम रेंज ले लेंगे हम 14 मीटर, और ऐड और क्लोज। तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए तो मिनिमम हमारी 11 मीटर थी हाइट दूसरे फ्लोर की, और टॉप फ्लोर के लिए ली हमने मैक्सिमम 14। तो इस प्रकार से हम लाइव लोड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस कमांड पे जाएंगे, एनालिसिस कमांड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और परफॉर्म करेंगे एनालिसिस, ऑल पे क्लिक किया और ऐड कर देंगे और क्लोज। ठीक है, फिर उसके बाद हम रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 0 एरर, 0 वार्निंग और 1 नोट आया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें हम डेड लोड एंड लाइव लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम गो टू प्रोसेसिंग मोड पे जाते हैं, डन करते हैं, और हमने कम्बिनेशन नहीं अप्लाई किया था तो हम अप्लाई कर देते हैं कम्बिनेशन को और ओके कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हैं। रिएक्शंस पे चलते हैं, देखिए रिएक्शन था ये बिल्डिंग की, कहाँ कहाँ रिएक्शन है, और बीम रिजल्ट्स पे चलते हैं। तो ये हमारे कुछ बीम के रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, व्यू ऑप्शन पे जाए, आइसोमेट्रिक व्यू में डालें इसको। ठीक है, तो इस बीम पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए प्रॉपर्टीज दिए जो बीम का साइज है। ठीक है, लेंथ 3 मीटर है और ये साइज है, देखिए डेप्थ कितनी है बीम की, 0.500, और ये प्रॉपर्टी देखिए विड्थ 0.450। प्रॉपर्टी भी आ जाएगी इसमें, लोडिंग कितना लोड आ रहा है वो भी बता देंगे, शेयर बेंडिंग मोमेंट्स ये भी बता देंगे, डिफ्लेक्शन भी बता देंगे। ठीक है, क्लोज करें, है ना। तो अब हमें क्या करना है, रिएक्शन पे गए, लेआउट्स पे जाना है, बीम फोर्सेस को देख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, और लेआउट्स में जाके आप बीम स्ट्रेसेस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे कितना स्ट्रेस है, देखिए 1 मीटर पे। ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आप ग्राफ्स पे जाके भी चेक कर सकते हैं, ग्राफ्स पे जाके देखिए आपके पास इस प्रकार का भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम एक बिल्डिंग पे डेड लोड एंड लाइव लोड अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि विंड लोड कैसे अप्लाई करते हैं हम बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है,
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर भी एक वीडियो तुरंत मिलेगी।